राजधानी KSKM हॉल में महान विभूति महामना मदन मोहन मालवीय, भारत के अजातशत्रु, पूर्व प्रधानमंत्री व भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी व कम समय में भारत के राजनीति को दिशा और दशा देने वाले राजनेता अरुण जेटली की जयंती पर ब्रह्मजन चेतना मंच द्वारा अटल स्वाभिमान सभा का आयोजन किया गया। मंच की विशेषता बताते हुए भाजपा MLC सच्चिदानंद राय ने कहा कि यह मंच राजनीतिक फायदे के लिए नहीं बनाया गया है, लेकिन यह राजनीति को प्रभावित कर सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। समाज के समर्थ असमर्थ लोगों के बीच पुल का काम करेगा। पूरे बिहार में ब्रह्मजन समुदाय के किसी व्यक्ति को कहीं कोई दिक्कत, परेशानी, असुरक्षा, रोजगार, किसी तरह की समस्या से निजात दिलाने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा। सुनिए सच्चिदानंद राय ने और क्या क्या कहा। आखिर ब्रह्मजन चेतना मंच, हमें बताना पड़ेगा ब्रह्मजन चेतना मंच क्या है, अटल स्वाभिमान सभा का आयोजन क्यों किया गया है और श्री संजय कुमार जी कौन है। तीन विषय ऐसे हैं जिनको मुझे ही रखना पड़ेगा। पहली बात तो ब्रह्मजनों के लिए नहीं, बिहार में जितने भी समाज हैं, बिहार में जाति एक सच्चाई है, इस बात को कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। अब अच्छी बात है, जाति सच्चाई भी है, सब मिलकर एक दूसरे के साथ में काम भी करते हैं और बिहार के प्रोग्रेस में योगदान भी करते हैं, तो इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। लेकिन दुख तब होता है, जिसमें मैं भी शामिल हूं, दुख तब होता है जब हम लोग मंच तो बनाते हैं लेकिन मंच केवल प्योर पॉलिटिकल मंच रह जाता है। हम सरकार से डिमांड करने लगते हैं कि हमारे समाज के लिए ये चाहिए, हमारे समाज के लिए वो चाहिए, बन आंदोलन कर देंगे, ये कर देंगे, उसका भी हक बनता है। राजनीतिक मंच भी होने चाहिए और राजनीतिक मांगे भी मजबूती से रखी जानी चाहिए। हर वर्ग को अधिकार है, हर समाज को अधिकार है और हमारा लोकतांत्रिक अधिकार संविधान में देता है, प्रेषक रूप के रूप में जाना जाता है। लेकिन जब एक घटना घटी, उसका मैं यहां चर्चा नहीं करूंगा, उसके बाद मुझे लगा कि क्या मैं जातिवादी हो गया हूं। मैं तो चला था बिहार का विकास करने, बिहार की बात करने, अचानक मैं जाति की बात कैसे करने लगा। हम तो बंगाल में पले बढ़े हैं, मेरे बच्चों के नाम के साथ मैं राय भी नहीं रहता हूं। एक पुत्र का नाम है आर्य सुमन दीक्षा कुमार सार्थकी और यहां आकर मैं क्या ये ब्राह्मण भूमिहार ब्रह्मजन ब्रह्मजन करने लगा, ये क्या चीज है। हमने पाया कि हम समाज से अलग नहीं है। अगर हर समाज, हर समूह अपने आप को इस रूप में आइडेंटिफाई करता है तो प्रत्येकता का डिमांड है। जब प्रत्येकता आती है तो अलगाववाद होता ही होता है, जब आइडेंटिटी क्राइसिस होता है तो सेपरेटिज्म होकर रहेगा। ये मैं नहीं रोक सकता, इसका चित्र कर लिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम अपने समाज का ख्याल रखते हुए भी दूसरे समाज के साथ समन्वय और सद्भाव रखकर आगे बिहार का विकास कर सकते हैं। मैंने जैसे कहा, मुझे बहुत आशीर्वाद मिला है अपने गुरुजनों का, इसलिए साहस में हमेशा जो है बढ़ता है और राजनीतिक प्रयोग करने से मैं पीछे नहीं हटता। एक अच्छे महीने पहले हम लोग के दिमाग में आया कि एक तो पहले नॉन पॉलिटिकल लीडर चाहिए। मैं कुछ भी कहूं कि मैंने एक संस्था बनाया है और मैं उसका अध्यक्ष हूं तो लोग कहेंगे जरूर से भारतीय जनता पार्टी की कोई साजिश है। या सच्चिदानंद राय अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस मंच का निर्माण किया है, तो एक ऐसे कमांडर की खोज के लिए निकले जो कमांडर अनुभव भी रखता हो संगठन बनाने का, जिसके अंदर समाज सेवा की भावना कूट कूट कर भरी हुई हो और जो शत प्रतिशत समय देने के लिए उपलब्ध भी। ऐसा दुर्गम चीज कहीं मिलता मिलता तो है नहीं, लेकिन देखिए मेरा सौभाग्य, गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के सानिध्य में रहकर उनके शिष्य और सहयोगी के रूप में 26 वर्षों का अनुभव रखने वाले श्री संजय कुमार जी हमें मिल गए संयोग से। मैंने गुरुदेव से आशीर्वाद के रूप में संजय जी को मांग लिया। मैंने कहा गुरुदेव, मैं एक सामाजिक कार्य करने की सोच रहा हूं, क्या कार्य है वो छोड़ दीजिए, बढ़िया कार्य है और संजय जी उसके लिए सबसे उपयुक्त आशीर्वाद दीजिए। पता नहीं क्यों उतना स्नेह करते हैं हमारे साथ। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं जानता हूं कि संजय को फ्री करना हमारे लिए बहुत कठिन हुआ क्योंकि ये करीब 65 स्कूल देखते हैं और 18 वर्षों से जम्मू कश्मीर खास करके जो आतंकवादियों का गढ़ है
वहां पर गुरुदेव के आशीर्वाद से वहां पर राष्ट्रवाद का पलक जगा कर रखते हैं, तो वहां से निकालकर बिहार भेजना थोड़ा कठिन कार्य जरूर है, लेकिन आप जब कहते हो कि कोई बहुत ही बढ़िया कार्य करने जा रहे हो तो मैं आशीर्वाद देता हूँ। जय संजय आपके साथ मिलकर काम करें। संजय जी यही अरेराज मोतिहारी के रहने वाले हैं, मूल निवासी हैं, बहुत मेधावी छात्र थे, छात्रवृत्ति लेकर सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली से इन्होंने स्नातक किया और सिविल सर्विसेज तैयारी कर रहे थे, आईएएस आईपीएस बन ही गए होते यदि गुरुदेव की नजर इन पर और गुरुदेव के चरणों में श्रद्धा इनके मन में न उपस्थित हो, और ये पिछले 26 वर्षों से उन्हीं के साथ रहकर समाज सेवा का काम करते हैं। समाज सेवा संगठन सबसे बड़ी बात है, कंफ्लिक्ट रिजोल्यूशन, जहां पर गोलियां चल रही हो, जहां पर नरसंहार हो रहा हो, कई बार तो खुद किडनैप हुए हैं, इसके बावजूद सेवा करने का वो जज्बा, 26 वर्षों से उन्हीं क्षेत्रों में जाकर काम करते हैं जहां आतंकवाद अलगाववाद नक्सलवाद का बोलबाला रहता है। गुरु जी को विश्वास रहता है कि जहां संजय जाएंगे वहां किसी भी तरह के कंफ्लिक्ट को रिजॉल्व करके, किसी भी तरह के विरोधियों को समझा कर और राष्ट्रवाद की धारा में मोड़ने की क्षमता रखते हैं, मुझे पूरा विश्वास है। यहां पर जो सामाजिक तना बना जिस तरह के तनाव की स्थिति है, उनसे सुयोग्य व्यक्ति हमको राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नहीं मिलता, इसके लिए पहली बार तो मैं स्वयं अपने आप को खुशनसीब मानता हूँ। ब्रह्मजन समाज को मैं कहूंगा कि हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि संजय कुमार जी फुल टाइम हमारे बीच में आकर इस संगठन को चलाने का भार स्वीकार किए हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। यह कार्य होने के बाद हम लोगों ने सोचना शुरू किया कि आखिर हम अपने समाज के लिए कर क्या सकते हैं। राजनीति में कोई भी व्यक्ति है तो इसलिए आया है कि मंदिर समाज के लिए कुछ कार्य करने का, देश के लिए कुछ कार्य करने का जज्बा होता है। अब मैं तो चूंकि अधिक उम्र में, मैं तो करीब 50 साल की उम्र में आया, तो मेरे अंदर तो बस एक ही वही बचा ही था कि एक एम्पावर्ड सोशल वर्कर के रूप में राजनीति को यूज करें एम्पावरमेंट के लिए, और सोशल वर्कर के रूप में जितना दूर कर सके, अपने गाँव के लिए कर सके, अपने प्रखंड के लिए कर सके, जिले के लिए कर सके, प्रदेश के लिए कर सके, देश के लिए कर सके, जितना कर सके उतना करने का प्रयास करें, क्योंकि रिटर्न टिकट तो कटा हुआ है, एक दिन तो जाना ही है। तो हम लोग घूमने लगे और बहुत साथी जुड़े, सबका नाम मैं नहीं लूंगा, और हम लोग लगे घूमने। जो साधन संपन्न व्यक्ति हैं हमारे ब्रह्मजन समाज में, उनसे पूछा कि समाज के लिए क्या करना चाहिए। कुछ चिकित्सक मिले, कुछ शिक्षक मिले, कुछ प्रशासनिक अधिकारी मिले, कुछ रिटायर्ड जज मिले, सबने कहा कि हम समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। दिमाग में बात घूमने लगी कि आखिर वो प्लेटफॉर्म क्या है, किस चीज की खोज कर रहा है हमारा समाज। दूसरी तरफ राजनीति में रहने का एक फायदा होता है कि रोज 2-4, 10-20 कॉल ऐसे आते हैं, किसी को शिक्षा में सहयोग चाहिए, किसी को चिकित्सा में चाहिए, किसी को प्रशासनिक सहयोग चाहिए, किसी को रोजगार चाहिए। हम अपने आप को असमर्थ पाते हैं क्योंकि एक व्यक्ति कितना कर सकता है, और सरकार से भी हर चीज अगर मांगेंगे तो मिल नहीं सकता है। श्री अभियानंद जी ने बताया, आप जानते होंगे अभियानंद जी, एक डीजीपी की बात मैं कर रहा हूं, उन्होंने कहा कि सीधा बाबू जीडीपी का 1/4 ही सरकार के पास कर के रूप में, टैक्स के रूप में जाता है, 3/4 तो समाज के पास संसाधन रह जाते हैं। अगर हर समाज अपने समाज की जिम्मेवारी ले ले, अपने समाज के स्वाभिमान की रक्षा की जिम्मेवारी ले ले, तो सरकार के ऊपर तो कोई बोझ नहीं रहेगा, उनके पास तो कोई काम नहीं रह जाएगा। और उससे बत्ती जली और हम लोगों ने संकल्प लिया कि आज एक उत्सव रूप बना रहे हैं, ये कोई बैठक नहीं है, ये बिल्कुल राजनीतिक उद्देश्य नहीं है, इसको कहीं से भी किसी के मन में कभी भी ये भावना आए कि ब्रह्मजन चेतना मंच का उपयोग किसी राजनीतिक स्वार्थ के लिए होगा, तो भाइयों मैं आज आपको शपथ के साथ तीन हमारे कुलभूषणों के सामने मैं शपथ लेके कहता हूं कि ये मंच कभी भी हम लोग राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये अलग बात है कि समाज के विस्तार के नाम में राजनीति है, अगर राजनीति करने वाले लोग इस मंच से घबरा जाए तो उसमें इसका मंच का कोई कसूर नहीं होगा, लेकिन हम इसका इस्तेमाल नहीं करें। हम जो प्रयास करने जा रहे हैं, अब 2 शब्दों में खत्म करूंगा इसको, आज से इस सभा के बाद ही हम लोग पूरा रूट बनाएंगे, संजय जी निकल पड़ेंगे संगठन बनाने, जिलों में प्रखंडों में प्रवास करके, वहां हमारे कुछ रिसोर्स चाहिए, संसाधन चाहिए, मानव संसाधन चाहिए, तो वो उसको संगठन बनाएंगे, सदस्यता चलाएंगे,
हम लोग जैसे इंजीनियर लोग जो है वो लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे। इस प्लेटफॉर्म की बात हो रही है वो प्लेटफॉर्म डिजिटल प्लेटफॉर्म है। अभी मैं दिल्ली गया हुआ था, अचानक भूख लगी और गैस नहीं था, तो हमारे ड्राइवर ने कहा कि सर जोमैटो से ऑर्डर कर रहे हैं। मैं करूँ, हमको नहीं मालूम था कि जोमैटो से ऑर्डर होता है, जानते थे कि कभी इस्तेमाल नहीं किया था। उसे तुरंत जोमैटो ऐप लिया, 50 रेस्टोरेंट के नाम आ गए, हर रेस्टोरेंट का पूरा मेन्यू आ गया, प्राइस आ गया, और 2 मिनट के अंदर हमने अपने मनपसंद खाने का ऑर्डर दे दिया। 30 मिनट होते होते खाना मेरे टेबल पर था। भाइयों आज तो युग ये है, दुनिया मुट्ठी में है, एक मोबाइल फोन पे है, तो क्या हम अपने समाज के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं बना सकते कि एक ऐप के माध्यम से या एक फोन कॉल के माध्यम से जरूरतमंद को विश्वास हो कि जब मैं इस मंच पर रखूंगा अपना डिमांड तो कहीं ना कहीं से हमारे समाज का कोई साधन संपन्न व्यक्ति खड़ा होकर हमारे जरूरतों को पूरा कर देगा। तो एक तो ये काम होगा, दूसरी तरफ जब ये संगठन बना रहे होंगे तो हर जगह जाकर हम स्काउट को खोजेंगे कि कौन साधन संपन्न व्यक्ति है, कोई शिक्षक है, कोई चिकित्सक है, कोई प्रशासनिक अधिकारी है, कोई व्यवसायी है, वो अपने समाज के लिए क्या करना चाहता है, क्या कितना तक समाज को देना चाहता है, उसका भी एक डेटाबेस तैयार करेंगे। आज जब जरूरतमंद का डिमांड आएगा तो उनको एक दूसरे से जोड़ देंगे। उदाहरण देता हूं, अभी अभियानंद जी के 5 मिनट का बाइट भी आपके सामने चलेगा, 5 मिनट जो उन्होंने रिकॉर्ड करके भेजा है, आज आ नहीं पाया, कुछ विशेष कारणों से बॉम्बे में फंसे हुए हैं, लेकिन उन्होंने अपना रिकॉर्ड करके भेजा है। अभियानंद जी सुपर 30 चलाते हैं, आप लोगों को मालूम होगा, खोज खोज कर 30 बच्चों को, मेधावी बच्चों को पूरे बिहार से खोज कर ले आते हैं और अपने यहाँ रखकर खिला पिला कर गरीब घर के घर के बच्चे होते हैं उनको पढ़ाकर IIT की परीक्षा दिलाते हैं और उसमें अधिकांश लड़के IIT या NIIT तक चले जाते हैं। हमने उनसे कहा कि सर अगर संसाधन देने के लिए मंच तैयार हो, हमारे और भी लोग इसमें जुड़े, तो क्या सुपर 30 को सुपर 100 नहीं कर सकते? उन्होंने कहा सुपर 100 का सुपर 300 सुपर 3000 भी कर सकते। दो चार और भाइयों से बात किया तो कहे कि ये तो बहुत बढ़िया काम है, हमको क्या देना होगा, बोलिए हम देने को तैयार हैं। एक व्यक्ति ने कहा कि सुपर 100 का खर्चा तो मैं अकेले उठाने को तैयार। गजब तजबा है, ये प्लेटफॉर्म नहीं था इसलिए कठिन था, और 100, 200, 300 बच्चों को अगर खोज कर निकालना होगा तो अभियान जी नहीं निकाल पाएंगे, कठिन है। लेकिन इन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो बायोडाटा हमारे पास चला आएगा, एक दिन बुलाकर उनका इंटरव्यू लेकर जांच लेंगे कि उस लड़के में मेधा है कि नहीं है, तब तो संभव हो पाएगा। नहीं तो संसाधन दूसरे तरफ जोड़ने का प्लेटफॉर्म। कल रात एक भाई हमारे पास में आए, नाम नहीं लूंगा, उनसे घोषणा करवाऊंगा किसी दिन, उन्होंने कहा कि मैं मेडिकल कोचिंग चलाता हूं। कहे कि भैया जितने बच्चों को दीजिएगा, रखने रहने खाने की व्यवस्था खाली आप कर दीजिए, मैं पढ़ा दूंगा फ्री। गजब। एक चिकित्सक मिले डॉक्टर शाहजानंद, उन्होंने कहा कि मैं मेडिकल एसोसिएशन प्रेसिडेंट हूं। और कितने ही डॉक्टर हैं जो चाहते हैं कि हम समाज के लोगों का कुछ भला करें, कोई इलाज करा दें, कोई सर्जरी करें, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते, हम मरीज खोज के तो नहीं ला पाएंगे। ये प्लेटफॉर्म खोजेगा उस मरीज को, अपने फॉर्म देगा उस मरीज को वो डॉक्टर। इसी तरह से प्रशासनिक सहयोग, कई विकास के कारणों से हम आपस में उलझ उलझ कर कोर्ट में समय पर बात करते हैं, हो सकता है कि हम पंचायत करके उसको सुलटा दें, वो काम भी मंच करने का प्रयास करेगा। अगर केवल एक ब्रह्मजन समाज जो करीब 15% आबादी है बिहार की, अगर एक ब्रह्मजन समाज अपने समाज की जरूरतों को अपने समाज के संसाधन से ही पूरा कर दे तो कम से कम 15% बोझ तो सरकार पर से कम हो ही जाएगा। और ये जो एक आइलैंड ऑफ एक्सलेंस तैयार होगा, देखिए जो कुछ भी चीज होता है ना, पहले एक आइलैंड ऑफ एक्सलेंस के रूप में शुरू होता है, वो उस उत्कृष्ट रूप की नकल करते हैं बाकी लोग। अभी तक राजनीतिक प्रयोग हुए हैं तो उसके नकल हुए हैं, एक सामाजिक प्रयोग हम लोगों ने शुरू किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि दूसरे समाज भी सक्षम है कि अपने समाज के स्वाभिमान की रक्षा उसमें कर पाएंगे तो पूरा बिहार मानेगा कि ब्रह्मजन ने हमें राह दिखाया, जो हमेशा दिखाते रहे हम लोग, और तब कोई नहीं कहेगा कि यह मंच जातिवादी मंच है, क्योंकि जातिवाद तो इस मंच का उद्देश्य ही नहीं है। इस मंच का एकमात्र उद्देश्य है कि कम से कम एक समाज के लोग अपने समाज के जरूरतों की स्वयं पूरा कर सके, और वो टेक्नोलॉजी और प्लेटफॉर्म के माध्यम से करना संभव है।
वही प्रयास कर रहे हैं। मैंने बहुत समय ले लिया, मैं चाहता था और कम में कहूँ, लेकिन पूरी बात बताने में थोड़ा समय लग गया, इसलिए क्षमा चाहता हूँ। और आप लोग को विश्वास दिलाता हूँ कि संजय जी के नेतृत्व में हम लोग उनके सहयोगी और संरक्षक के रूप में इस आंदोलन को धीमा नहीं पड़ने देंगे। और जो भी भाई इससे जुड़ना चाहे, जो भी भाई इसे जुड़ना चाहे, आप जुड़े और अपने अपने क्षेत्र की जिम्मेदारी संभालें। इसी आग्रह के साथ मैं एक बार फिर से भगवान परशुराम को याद करते हुए आप लोगों को प्रणाम करता हूं।